रेप और मर्डर मामले को लेकर कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। अदालत सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रेप और मर्डर की वारदात पर गहरी नाराजगी जताई थी। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और राजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं, हमने कुछ स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है लेकिन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जानी है, पिछली बार सुनवाई नहीं हो सकी थी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने भी एक रिपोर्ट सौंपी है, कपिल सिब्बल का ये भी कहना है। इस बीच कोलकाता के रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। देखिए सुनवाई शुरू भी हो चुकी है, बेंच बैठ चुकी है, वकील भी वहां मौजूद हैं और अब दलीलों का दौर रहेगा। बंगाल सरकार की रिपोर्ट जो है वो भी सौंपी गई है। दिल्ली में सुनवाई चल रही है, कोलकाता में सियासी लड़ाई भी नजर आ रही है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रेप और मर्डर की वारदात पर गहरी नाराजगी जताई थी और अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार राजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। कोलकाता के रेप और मर्डर मामले को लेकर कुछ देर में ये दलीलों का दौर भी शुरू हो जाएगा। आप देखिए कोर्ट बैठ चुकी है इस वक्त, अहम सुनवाई है। अदालत में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर अदालत विचार कर रही। और नेहा अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं ऐसा ही लग रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट पर ही, क्योंकि जब आवाज नहीं आती तो किसी न किसी रिपोर्ट पर चर्चा ही करते रहते हैं अमूमन जज और कुछ वही होता हुआ भी शायद इस वक्त नजर आ रहा है। तो सीजीआई के भी कई सवाल हैं, वो आपको बता दें प्रिंसिपल के घर से कॉलेज कितनी दूरी पर था, प्रिंसिपल के घर से कॉलेज की दूरी सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा भी पूछी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि घर कॉलेज से कितनी दूर था, क्योंकि सवालों के घेरे में पूर्व प्रिंसिपल भी हैं, उन पर भी जांच का घेरा लगातार कसता जा रहा है और उन पर सवाल इसलिए भी खड़े हुए थे क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ का मामला उन पर दर्ज है। इसके अलावा कॉलेज प्रशासन की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। तो ये स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, बंगाल सरकार की रिपोर्ट भी यहां पर है, राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर भी सुनवाई हो रही है। यानी किस तरह ये जांच चली, हालांकि पिछली बार कोर्ट ने कई सवाल उठा दिए थे। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सीजीआई ने सवाल पूछा है कि प्रिंसिपल और कॉलेज यानी कि अस्पताल के बीच की दूरी कितनी है, ये इस मामले में कितना अहम है और क्यों ये सवाल किया गया है? कोर्ट उसमें रिपोर्ट में जो चीजें दर्ज हैं सीबीआई की तरफ से और कलकत्ता पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से उस दिन तोड़फोड़ की बात पर अपनी रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में क्या है ये तो भी पता नहीं चला। लेकिन कोर्ट ने जो सवाल पूछा है, कोर्ट शायद इसके तह तक जाना चाहती है कि घर अगर ज्यादा दूर है तो प्रिंसिपल के वहां पहुंचने में लगी देर उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर घर नजदीक है और प्रिंसिपल वहां नहीं पहुंचे तोड़फोड़ में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कनाइवेंस है, या तो कोर्ट इस तथ्य की ओर ध्यान दे रही है। और इसीलिए कोर्ट ने पूछा है कि आखिर प्रिंसिपल के घर और हॉस्टल और कॉलेज की दूरी जहां पर यह घटना हुई थी तोड़फोड़ की वो कितनी है, क्योंकि जैसे ही वहां पर खबर हुई होगी तो प्रिंसिपल को आने में इतना टाइम क्यों लगा, उसमें कोर्ट जानना चाहती है। यानी कुल मिलाकर कोर्ट का ध्यान इस पर है कि क्या ये स्वतः स्फूर्त घटना थी या फिर नियोजित थी, जिसमें अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के प्रशासन का भी हाथ था, जिसमें प्रिंसिपल का भी हाथ था। जी मैं सुन नहीं पा रहा हूं, मैं सिर्फ देख पा रहा हूं क्योंकि तकनीकी दिक्कत की वजह से मैं सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन हमारी रिपोर्टर कनु सारदा जो वहां से बता रही हैं उसमें ये कि इस कोर्ट सवाल पूछ रहा है अभी और कोर्ट ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उन सवालों का ही जवाब दिया जा रहा है। और यहां पर संजय, बंगाल सरकार की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि देखिए जो हड़ताल डॉक्टरों की हुई उसकी वजह से कितनी मौतें हुई, आंकड़ा 23 रखा गया।
जी हाँ बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जब तक हड़ताल थी तब तक 23 लोगों की इलाज ना मिलने की वजह से मौत हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब डॉक्टरों से आग्रह किया उसके बाद जाकर हड़ताल खत्म हुई। और इसमें ये कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं तो उन्होंने एक अपने तरफ की चीजें बताई हैं सुप्रीम कोर्ट को और उन्होंने कहा है कि हड़ताल का क्या असर हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में जांच को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ कोर्ट में जमा की है और हमने सीबीआई को अभी तक अपने जवाब की कॉपी सीबीआई के साथ शेयर नहीं की है। और कौन कौन से सवाल सीजीआई की तरफ से किए गए, एक सवाल तो हमने आपसे पूछा, इसके अलावा भी कुछ सवालों की जानकारी अगर आपको तो बताइए। और सवाल सीबीआई की तरफ से, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से आखिर क्या छिपाना चाहती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई के साथ साझा नहीं की है जो सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने सिर्फ कोर्ट में कॉपी जमा की है क्योंकि कोर्ट के आदेश की तामील करना हमारा फर्ज है, इसलिए हमने कोर्ट में जमा की है, अभी हमने सीबीआई के साथ शेयर नहीं की है। कोर्ट में जमा करने के बाद अब हम उसको सीबीआई के साथ शेयर कर सकते हैं। संजय, पिछली बार एक फटकार लगी थी, ये भी कहा गया था कि 30 साल में हमने अपने करियर में ऐसी लापरवाही पुलिस की तरफ से नहीं देखी, क्राइम सीन से छेड़छाड़ का आरोप यहां पर सीबीआई की तरफ से लगाए गए, इस पर भी क्या रिपोर्ट में चर्चा है, जानकारी है, दी गई है कि आखिरकार कहां कहां वो कमियां और किस वजह से वो कमियां हुई? ये तो जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती, रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ जाती, तब तक ये बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सील कवर रिपोर्ट अभी सिर्फ कोर्ट के सामने, तीनों जजेज के सामने अभी रखी गई है। ये रिपोर्ट अभी तक सीबीआई से भी शेयर नहीं की गई है। सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट सील कवर लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी है। अभी पश्चिम बंगाल की जो रिपोर्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट, उस पर अभी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में ये बताना, इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन है कि आखिर उस रिपोर्ट में और क्या जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है, उस पर ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई जिसमें सीजीआई ने सवाल पूछा है कि कॉलेज से प्रिंसिपल का घर कितनी दूरी पर था, उनको वहां पहुंचने में कितना वक्त लगा और क्यों ये वक्त लगा, इस पर जवाब मांगे गए हैं। डॉक्टरों के काम पर नहीं आने से 23 मौतें हुई है, बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। हालांकि दोनों रिपोर्ट, यानी कि जो बंगाल सरकार की रिपोर्ट है और सीबीआई की रिपोर्ट है, वो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे में डिटेल्स अभी सामने नहीं आए कि इन रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा गया। हालांकि इसी के आधार पर इस वक्त सुनवाई की जा रही है, सवाल जवाबों का सिलसिला वहां पर चल रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रेप और मर्डर की वारदात पर गहरी नाराजगी जताई थी और अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और आरजी कर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। और ऋतिक मंडल भी हमारे साथ मौजूद है कोलकाता से, संजय भी हमारे साथ मौजूद है, और जैसे ही सुनवाई की कुछ और बातें भी सामने आएंगी संजय आपके पास एक बार फिर से रुक करेंगे। लेकिन ऋतिक, एक तरफ तो ये सुनवाई चल रही, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट रुकते हुए नजर नहीं आ रहे, लोग अभी भी सड़कों पर उतर कर न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है जहां पर लंबे समय से आज के दिन की इंतजार चल रहा था। कल आप जानते हैं कि कल रात भर कोलकाता और बंगाल के जगह जगह हजारों की तादाद पर लोग एक बार फिर से रिक्लेम द नाइट की ऐलान में सड़कों पर उतरे क्योंकि जो गुहार चल रही है, उठाई जा रही है, वो जस्टिस की। फिलहाल मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई द्वारा दी गई जो स्टेटस रिपोर्ट जिसके इंतजार लंबे समय से चल रहा था, उसको पढ़ने में जो है जजेस की जो बेंच है वो फिलहाल वहां पर उस स्टेटस रिपोर्ट को वो पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी जूनियर डॉक्टर्स है यहाँ पर वो प्रोजेक्टर्स के जरिए ये जो कोर्ट की सुनवाई है वो यहाँ पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज की ये सुनवाई बेहद खास है क्योंकि जिस अब तक जितनी भी सुनवाई हुई है राज्य की तरफ से एक जो रिपोर्ट कहा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि राज्य सरकार का कहना है कि पिछले एक महीने से लंबे समय से चल रही इस आंदोलन लौटेंगे आपके पास संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, कुछ और डिटेल्स अंदर से आ रही है क्योंकि कनु शारदा वहां पर मौजूद है, क्या बता रही हूँ? जी हाँ, जिस समय उनसे ये पूछा गया कि कितनी दूरी है कॉलेज से और प्रिंसिपल के घर की, तो
सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता जी ने कहा कि ये 15 से 20 मिनट का समय लगता है और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेन से रिक्वेस्ट किया है कि स्टेटस रिपोर्ट चार्ट के साथ जो दी गई है कोर्ट उसको भी देखे और वो चार्ट हैंड ओवर किया गया है पीठ को और ये बताया गया है कि ये चार्ट जिसमें हमने अपनी रिपोर्ट चार्ट के मुताबिक समझाई है तो कोर्ट इस पर एक नजर मार ले। कोर्ट अभी वो रिपोर्ट देख रहा है संजय, क्योंकि देखिए पिछली बार सीजीआई के पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल थे जिसमें से ये भी सवाल था कि प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, वो आखिरकार किसका बचाव कर रहे थे? क्या उसी सवाल के ही आगे सिलसिले को बढ़ाते हो क्योंकि इसमें जवाब जाहिर तौर पर मांगा गया होगा या दिया गया होगा, पूछा होगा उन्होंने कि कितना समय लगता है क्योंकि प्रिंसिपल खुद नहीं आए और एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त लग गया। जी हाँ, अपना बचाव तो जरूर किया होगा प्रिंसिपल ने और यही वजह, सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं पूरा कॉलेज प्रशासन जिसके भूमिका पर उंगलियां उठती रही हैं वो सारे लोग अपनी रिपोर्ट में वही बचाव, लेकिन किस आधार पर बचाव किया गया है ये देखना दिलचस्प है। क्या कोई जस्टिफिकेशन दिया गया है या सिर्फ बचाव के लिए बचाव किया गया है और कोर्ट उनके जवाब पर कितना भरोसा करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। पहला सवाल जो कोर्ट का था कि प्रिंसिपल के घर से जो आवास है उनका वहां से और मेडिकल कॉलेज की दूरी कितनी है, तो इससे ही समझ में आ रहा है कि जवाब में क्या क्या चीजें लिखी गई होंगी। हालांकि जो जवाब दाखिल करने वाले वकील हैं वो भी तेज तर्रार वकील माने जाते हैं और वकील धरती को आसमान से मिलाने का कुलाबा एक करने का की योग्यता रखते हैं, लिहाजा उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि किन आधारों पर किन ग्राउंड्स पर इस बात को जस्टिफाई किया गया है कि वहां इतने देर तक तोड़फोड़ होती रही और कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा, पुलिस क्यों नहीं पहुंची, कैसे उन लोगों को नहीं रोका जा सका, वो 7,000 लोग कैसे घुस गए अंदर प्रमाइसेज में और वहां उन्होंने तोड़फोड़ की, घटनास्थल तक कैसे पहुंचे, उनको घटनास्थल का अता पता किसने बताया, तमाम चीजें हैं जिसका जवाब हमें देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट लौटेंगे आपके पास की डिटेल्स धीरे धीरे सामने आएंगे रिपोर्ट के भी और क्या सवाल जवाब वहां पर किए गए। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, कल देर रात भी प्रोटेस्ट देखा गया और ऐसे में गंभीर सवाल हड़ताल पर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि 23 जाने जा चुकी हैं और कब ये हड़ताल खत्म होगी, इनडेफिनेट दिखाई दे रही है अभी तो फिलहाल, इस पर सवाल कोर्ट भी कर रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से जो डॉक्टर से मेरा बातचीत चल रहा है उसका कहना है कि इस दिन का, इस तारीख का वो इंतजार कर रहे थे, जो पहले 5 तारीख को ये जो मामला का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कट था वो बाद में पोस्टपोन हो गया था, वो आज की तारीख का इंतजार कर रहे थे। उनका ये अपेक्षा है कि अगर आज की सुनवाई के दौरान एक दिशा निर्देश जस्ट टू असिस्ट योर लॉर्डशिप, नॉट आई एम नॉट एडवर्सरियल because we are dealing with a daughter and she is a daughter of each one of us, therefore my lord I am taking it in that spirit, please have a look at my lord this left hand side and the right hand side, my lord kindly go through it my lord with some my lord degree of attention, your lordships I have gone through one death certificate yeah उसमें कुछ हुआ था। तो फिलहाल आपको बता दें रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, इस वक्त बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रख दी है, सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट को वहां सामने रख दिया है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त मौजूद है, लेकिन उससे पहले सुनिए कोर्ट में क्या चल रहा है। And the entry, UD entry was at 2:55 at the police station. 2:55. That is 8:61? That's right. There's the second question, Your Lordships. जानकारी के साथ संजय, आपको अब ऑडियो मिल रहा है अंदर कोर्ट प्रोसीडिंग्स का?
इसमें भी कोर्ट ने ये पूछा है कि कितने बजे पोस्टमार्टम हुआ, डेथ सर्टिफिकेट कितने बजे मिला। कपिल सिब्बल उसका जवाब दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि 1:45 पर डेथ सर्टिफिकेट मिला है और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई होके और फिर FIR दर्ज की गई है। अभी कोर्ट रिपोर्ट का आगे अध्ययन कर रही है, कोर्ट देख रही है, तीनों जजेज रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और अभी अदालत में खामोशी है। तो फिलहाल देखिए ये भी बता दें कि आज बंगाल सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट में कोर्ट के सामने रखी गई है, स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि CBI लगातार जांच कर रही है। लेकिन नेहा, अभी तक कोई बहुत बड़ा खुलासा ऐसा CBI की तरफ से नहीं हुआ, प्रोटेस्ट इसको लेकर भी हो रहा है और खासतौर पर TMC की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि CBI बताए कि अभी तक किया क्या है। एक आरोपी की केवल गिरफ्तारी हुई है, पूर्व प्रिंसिपल पर हालांकि ED का शिकंजा भी कस गया, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। नजर कोर्ट में है, आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कोर्ट में किस तरीके से दलीलें दी जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। ऋतिक भी हमारे साथ है, वो कोलकाता में प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी हमको दिखा रहे हैं। संजय, अगर कोई अपडेट हो तो हाथ प्लीज ऊपर कीजिएगा, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे। लेकिन इस बीच ऋतिक का जरा रुक कर लेते, ऋतिक जरा दिखाई किस तरह ये प्रोटेस्ट हो रहा, कितनी उम्मीद आज कोर्ट से लगाए बैठे हैं लोग। कल देर रात तक यहाँ पर प्रोटेस्ट चला, मैं जरा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या मौजूदा मंजर है। मेरा कैमरा सहयोगी श्याम सुंदर आपको दिखा रहा है, हालांकि बहुत भीड़ है। ये वो मंच है जिसका निर्माण किया गया था 1 महीने पहले अभया का ये दर्दनाक जो हत्या हुई थी यहाँ पर उसके बाद। और फिलहाल हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर तख्त भी लगाए, जो डॉक्टर से आम नागरिक है यहाँ पर राह चलते जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर एक प्रोजेक्टर्स के जरिए यहाँ पर जो है सीधा प्रसारण इसका किया जा रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, क्योंकि आज का ये सुनवाई जो इस वक्त जो तमाम जो ये जो जस्टिस की जो पीठ है जो इस अहम वक्त पर राज्य सरकार और CBI द्वारा दी गई जो रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसके जरिए इसके ऊपर भरोसा लोगों को इसलिए है। संजय, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नया अपडेट? कोर्ट लगातार इस बारे में पूछ रहा है कि FIR कब दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि 2:55 पर FIR दर्ज हुई, डेथ सर्टिफिकेट 1:47 पर मिला और PM पे यानी दोपहर 1:47 पर मिला और 2:55 पर FIR दर्ज की गई। इसमें अप्राकृतिक मौत के कारणों में कोर्ट ने कहा है कि हमें स्पष्टीकरण चाहिए। और इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि थाने में अप्राकृतिक मौत के मामले में 2:55 पर केस डायरी दर्ज की गई है। कोर्ट ने वही पूछा है कि इसके बीच डेथ सर्टिफिकेट मिलने और डायरी थाने की डायरी में डिटेल दर्ज होने में इतना समय क्यों लगा है। कपिल सिब्बल उन सारी चीजों पर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ऋतिक मंडल भी, ऋतिक मंडल भी जुड़े हुए हैं, सर्टिफाइड कॉपी जस्ट गिवन इट टू द कोर्ट। ऋतिक का भी रुक करेंगे नेहा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, संजय कुछ कह रहे हैं। संजय, बिल्कुल, अभी कपिल सिब्बल उन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट फिर एक बार रिपोर्ट पढ़ने में, पीठ अभी रिपोर्ट पढ़ रही है, तो ये अब आगे क्या सवाल आते हैं तो मैं हाथ करूंगा जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है। और देखिए कोर्ट ने यह भी पूछा कि अप्राकृतिक मौत का वक्त आखिरकार क्या लिखा गया, यह भी पूछा जा रहा है। FIR को लेकर कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी याद है जब यह पूरी सुनवाई हुई थी तो बेहद सख्त टिप्पणी यहां कोर्ट की तरफ से की गई थी, खासतौर पर प्रशासन पर, क्योंकि वहां पर जिस तरह की लापरवाही देखी गई है, यह भी कहा गया 30 सालों में ऐसी लापरवाही वहां जज कह रहे थे उन्होंने नहीं देखी है। संजय, हाँ, जब कोर्ट ने पूछा कि डेथ सर्टिफिकेट अप्राकृतिक मौत का आपने मामला दर्ज किया, उस पर हमें स्पष्टीकरण चाहिए, इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट हमें 1:47 पर मिला, जबकि घटना रात की है और 1:47 PM, AM रहता तो समझ में आता, लेकिन PM पर। और कोर्ट ने यही कहा कि इतना समय क्यों लगा। इसके बाद थाने में अप्राकृतिक मौत के मामले में लगभग 1 घंटा बाद 2:55 पर केस डायरी दर्ज की गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2:55 पर अगर केस डायरी दर्ज की गई तो रात 11:30 FIR दर्ज की गई है, अदालत इस पर ध्यान दे।
और इस पर अब अदालत कपिल सिब्बल से सवाल पूछ रही है। लेकिन अभी फिलहाल अदालत में शांति है और उससे ये अंदाजा लग रहा है कि अदालत के सवालों के जवाब कपिल सिब्बल दे रहे हैं और मुझे जो सुनाई पड़ रहा है उसमें ये कि सवालों को ले समय को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो बहुत श्योर नहीं है, अब वो रिपोर्ट पढ़कर उसमें जवाब दे रहे हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अराइव्स एंड कंडक्ट्स इट, ही कम्स एट 4:10 एंड देन द इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड एट 4:20 टू 4:40 एंड द इंक्वेस्ट इज वीडियोग्राफ्ड एंड द सेम हैज बीन सेव्ड ऑन अ कार्ड व्हिच वी कैन। Sybil, also, second question, when was the search and seizure actually carried out? This one is just 8:30 to 10:45. The photographs had been taken before, Malaj. 8:30 in the morning or in the evening? Evening, Malaj. The body was found in the morning at 9:30. That's right. Photographs were taken. Once the body was removed, Malaj, for post-mortem, then only, Malaj. And by whom? There is some relevance. Therefore, Malaj, I would like my learned friend to ask. There is some relevance. Malaj, we have photographs from 12:45 p.m. onwards of everything that happened. We have the original with us. Now, during the course of the previous hearings, and therefore I think though the investigation is going on, we can share this because you've all said it openly. Yes, ma'am. That there is evidence to, that there is a CCTV footage to indicate what time the accused enters the seminar room and what time he's exiting the seminar room. Right? This is shared with us. Now, obviously, therefore, there would be CCTV footage after 4:30 in the morning throughout the day. Yes, there now, will be. Has the CCTV footage in its entirety been handed over to the CBI? Yes, yes, yes. Yes, we have taken. Yes. We have taken. You have taken the CCTV footage. But we had to reconstruct the scene. जितनी प्रोसीडिंग्स हम सुन पा रहे हैं उसमें कैटेगोरिकली कोर्ट से ये सवाल पूछे जा रहे हैं टाइमिंग को लेकर, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। कब बॉडी मिली, कब उसे वहां से ले जाया गया, कब पोस्टमार्टम हुआ, कब एफआईआर दर्ज हुई, इसको लेकर कोर्ट काफी सख्त है। शायद संजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, इस बीच आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में बता दें, वहां पर आवाज आ रही है। एक बार मेरा नाम ले दिया कीजिए तो मुझे समझ में आ जाए कि आप टिप्पणी कर रही हैं उस पर या मेरे से सवाल का जवाब। संजय, आपसे सवाल था कैटेगोरिकली, ये मैंने पूछा था आपसे कि बार बार टाइमिंग को लेकर कोर्ट सवाल कर रहा है, खासतौर पर जो बेंच है वो कपिल सिब्बल से पूछ रही है कि उनके पास टाइमिंग को लेकर कोर्ट के मन में काफी कंफ्यूजन है, इसीलिए कोर्ट उनसे पश्चिम बंगाल सरकार से के मुंह से ये कहलवाना चाहता है कि आखिर कितने बजे क्या क्या चीजें हुई हैं। तो इस पर कोर्ट ने पूछा है कि जब आपको दोपहर को सारी चीजें पता चल गई, 9:30 बजे बॉडी मिल गई, तो आखिर एफआईआर दर्ज करने में रात के 11:30 क्यों बजे? और उस पर कपिल सिब्बल ये जवाब दे रहे हैं कि बॉडी वहां से उठाई गई, फिर उसके बाद एविडेंस जुटाए गए और वहां से सारी चीजें कलेक्ट की गई, इसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, पोस्टमार्टम में टाइम लगा, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई, फिर डीडी एंट्री होती है और डीडी एंट्री के बाद फिर ये सारी प्रक्रिया होते होते टाइम लग गया और उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करने में हमें 11:30 बजे का समय लगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे आपके गले से नहीं उतर रही ये बात, ये तर्क, वैसे ही लग रहा कि शायद कोर्ट के गले से भी नहीं उतर रहा है।
बिल्कुल, और ये बार बार ये पूछा जा रहा है कि अननेचुरल डेथ केस कितने बजे रजिस्टर्ड हुआ, इस पर क्या जवाब, क्योंकि पिछली बार भी यही सवाल उठे थे, अब जाहिर तौर पर अपनी पूरी तैयारी के साथ कपिल सिब्बल पहुंचे होंगे। हाँ, 1:55 की बात तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि दोपहर को अननेचुरल डेथ का डीडी एंट्री की गई, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम किया गया। तो इन तमाम चीजों में समय बहुत ज्यादा है, 1-1 घंटे का वक्फा है, और उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद फिर ये हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। ये भी पूछा जा रहा है कि तलाशी और बरामदगी कब हुई। हाँ, कोर्ट ने यह भी पूछा है कि वहां से मौके से क्या क्या सामान मिला, उसकी बरामदगी कितने बजे दिखाई गई है, और उसमें क्या क्या मिला है उसके बारे में भी कोर्ट ने जानकारी मांगी है। तो यानी ये रिपोर्ट में जानकारी नहीं है, अब ये अगली बार जानकारी देनी होगी या अभी ही जानकारी दे रहे हैं कपिल सिब्बल? अभी ही जानकारी मांगी गई है, और कुछ चीजों पर अदालत ने पूछा है जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर बताएंगे, तो कोर्ट ने उनको मंजूरी दी है कि आप इंस्ट्रक्शन मंगाएं और फिर हमें बताएं।